हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्लास। आज हम बात करेंगे अबाउट दी बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स के बारे में। ओके, सो जैसे कि आपने नाम सुना बायोटेक्नोलॉजी, सो ये दो वर्ड्स का मिलके बना हुआ है। बायो मींस बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निक्स। सो द फर्स्ट वर्ड इज बायोटेक्नोलॉजी, वो टेक्निक्स जिसके अंदर हम यूज करने वाले हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या उनके प्रोडक्ट्स को। से फॉर एग्जांपल एंजाइम्स को हमने यूज किया और हम कुछ प्रोडक्ट्स या प्रोसेसेस बना रहे हैं जो कि यूजफुल है फॉर आर मैनकाइंड। ओके, सो बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन क्या हो सकता है? इट कुड बी द टेक्निक्स इन विच वी विल बी यूटिलाइजिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स to make some products and processes which would be beneficial to us. आगे मूव करते हैं और बात करते हैं हम टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की, क्या बेनिफिट है उसका। जैसा कि आपने देखा वन इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड दूसरा है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो उसके अंदर क्या होता है, कोई भी वेरिएशन नहीं आता है। ओके, क्या रहता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो प्रिजर्व रहती है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके अंदर क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है जिसकी वजह से क्या आते हैं वेरिएशंस। तो सिमिलरली व्हेन आई टॉक अबाउट दिस एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट व्हाट आई मीन टू से इन बायोटेक्नोलॉजी की जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन होता है या ब्रीडिंग होती है इन एनिमल्स के अंदर, उससे कहीं आगे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग वन ऑफ दी ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑल्टर कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल को। ओके, दैट इज द चेंज। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग तो उसके अंदर हम तीन चीजों की बात करते हैं। क्या, फर्स्ट हम बनाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो पहले नहीं था, मतलब कि से फॉर एग्जाम्पल हमने ई कोलाई का जीन ह्यूमन के सेल के अंदर डाला तो पहले नहीं था, बिकॉज ये दोनों तो क्लोज रिलेटेड नहीं है, इनके बीच में सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। फिर भी हम किसी एलियन डीएनए को यूज कर सकते हैं, सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उसके जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई कर सकते हैं, दैट इज द एडवांटेज। और जब हम ऐसा करते हैं तो वो क्या कहलाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देन जीन क्लोनिंग, क्लोनिंग मतलब क्या होता है, मतलब आइडेंटिकल कॉपीज बनाना इज द क्लोन, जीन की मल्टीपल कॉपीज बनाना दैट आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। फिर हम जीन ट्रांसफर करते हैं, हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं लैब के अंदर इन विट्रो और उसके बाद हम किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल देते हैं और फिर उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाते हैं। सो दिस इज द होल फंडा विच आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस। ओके, सो हमने देखा इंजीनियरिंग, ऑल्टर करना, मॉडिफाई करना जेनेटिक मटेरियल को। उसके अंदर हम बात करेंगे अबाउट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, किस तरह से हम फॉरेन डीएनए को इनकॉर्पोरेट करते हैं इनटू द वेक्टर, किस तरह हम उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं विच आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, किस तरह से हम जीन ट्रांसफर करते हैं। ओके, नाउ मूविंग अहेड मैं बात करने वाली हूँ अबाउट द होल प्रोसेस ऑफ दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये टेक्निक जो है सबसे पहले बात करी थी इसकी बाय कोहेन एंड बॉयर ने 1972 के अंदर। उन्होंने जो प्लाज्मिड है दैट इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है उसमें से वहां पे बात की थी अबाउट द एंटीबायोटिक मार्कर जीन के बारे में। ओके, सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट दिस आरी। क्या है आरी, इट स्टैंड फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जिन्हें हम मॉलिक्यूलर सीजर्स के नाम से भी जानते हैं। दैट मींस ये जीन की स्पेसिफिक जगह पे क्या करते हैं, कट करते हैं। क्योंकि ये स्पेसिफिकली कट करते हैं फिर हम इसे स्पेसिफिकली ज्वाइन कर सकते हैं टू फॉर्म दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नाउ विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल मैं चाहूंगी कि आप इस टेक्निक को अच्छे से समझ रहे हैं। आप ट्यूशन क्लास जाते हैं, ठीक है, कैसे जाते हैं, शायद आप अपनी आक्टिवा से जाते हैं। कहाँ पहुंचते हैं, कोचिंग क्लास के अंदर पहुंचते हैं। क्या गेन करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, उसे एम्पलीफाई करते हैं। सो ये सिमिलर है टू दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के। देखिए कैसे, सबसे पहले आप कौन है, आप है वो हमारा फॉरेन डीएनए जिसको हमने कट करके क्या बनाया है, डिजायर डीएनए। सो आप हो गए फॉरेन डीएनए। आपकी व्हीकल जो आपको लेके जा रही है, वेक्टर जो है
वो है एक्टिवा। जब आप एक्टिवा के ऊपर बैठ जाते हैं तो वो कहलाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ये दोनों मिलके कहाँ जाते हैं? कोचिंग क्लास के अंदर, दैट इज दी ई कोलाई होस्ट ऑर्गेनिज्म। और वहां जाके आप क्या करते हैं? अपने नॉलेज को एम्पलीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या है? क्लोनिंग। और हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलता है, जो हमें प्रोटीन चाहिए वो मिलता है, दैट इज दी नॉलेज। सो सिमिलरली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर वन इज फॉरेन डीएनए, जिसके अंदर लोकेटेड है हमारा डिजायर्ड जीन, और लेके जाने वाला एक वेक्टर, दैट इज दी प्लाज्मिड। ओके, एज यू नो कि प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है, जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओके, सो बच्चों हमने क्या किया? फॉरेन डीएनए को कट किया विद द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और उसी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने कट किया हमारा प्लाज्मिड। अब दोनों की स्टिकी एंड्स बन जाएंगे, कोहेसिव एंड्स बन जाएंगे। आने वाले सेशन में हम बात करेंगे अबाउट द स्टिकी एंड कोहेसिव एंड्स क्या होते हैं। देन ये दोनों एंड्स क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। डीएनए लाइगेज जब भी प्रेजेंट होगा तो इन दोनों को क्या करेगा? जोड़ देगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देगा, दैट इज द लाइगेशन। सो हमारा डिजायर जीन इनकॉर्पोरेट हो गया इनटू दिस वेक्टर डीएनए। जब ये दोनों साथ में मिल जाते हैं, दैट फॉर्म्स द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नाउ ये सीक्वेंस किसके साथ जुड़ी हुई है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के साथ, प्लाज्मिड्स के साथ, ताकि ये उसी का पार्ट बनेगा, और जब हम इसे होस्ट में डालेंगे तो ये भी मल्टीप्लाई करेगा। फिर हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ई कोलाई के अंदर डालना इज कॉल्ड एज द ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, नाउ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म ई कोलाई। अब ई कोलाई जब मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी मल्टीप्लाई करेगा, बिकॉज फॉरेन जीन किसके साथ इंसर्टेड हो चुका है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ, दैट्स व्हाई इट विल आल्सो मल्टीप्लाई। और ये मल्टीप्लाई करेगा, दैट इज द क्लोनिंग, और हमें हमारा प्रोटीन मिलेगा। सो दिस इज द सेम केस जो कि इंसुलिन के साथ किया गया है, ह्यूमनिन के साथ। दैट मीन्स ह्यूमन का इंसुलिन का जीन वेक्टर के अंदर डाला, प्लाज्मिड के अंदर। ह्यूमन का जीन है इस वेक्टर के साथ, और हमने इसे इंट्रोड्यूस किया ई कोलाई के अंदर टू फॉर्म द ह्यूमन इंसुलिन कॉल्ड एज ह्यूमलिन, जो कि सबसे पहले किस कंपनी ने किया था? ईली लिली ऑफ अमेरिका। ओके, सो इस सेशन में हमने देखा कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, वो टेक्निक जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं और कुछ प्रोडक्ट या प्रोसेसेस बनाते हैं या उसके एंजाइम्स यूज करते हैं जो कि वेलफेयर हो ह्यूमन के लिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल को ऑल्टर करना, चाहे वो डीएनए है या आरएनए। ओके, फिर हमने बात करी दिस टेक्निक ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आप क्या है? फॉरेन डीएनए। आपका व्हीकल क्या है? वेक्टर। दोनों साथ में मिलके बनाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इसके पास हमारा ये एलियन डीएनए है, टेम्पलेट डीएनए है, जो इसे लेके जाता है इनटू द कोचिंग क्लास, दैट इज द होस्ट ऑर्गेनिज्म। वहां जाके हम अपने नॉलेज को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज द क्लोनिंग। क्लोनिंग मतलब कि आइडेंटिकल कॉपीज बनाना, मल्टीपल कॉपीज बनाना ऑफ द जीन। ठीक है, एंड फिर हमने बात करी कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है। ये वो एंजाइम है जो कट करते हैं द स्पेसिफिक सीक्वेंसेस, जिन्हें हम मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं। लाइगेशन का काम कौन कर रहा है? डीएनए लाइगेज। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का होस्ट सेल के अंदर डालना इज कॉल्ड एज द ट्रांसफॉर्मेशन, एंड क्लोनिंग मीन्स टू फॉर्म द मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज। सो बेसिकली ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहाँ से आई थी? बाय द टू साइंटिस्ट कोहे एंड बॉयर इन ईयर 1972। सो इस सेशन में हमने आप बात करी व्हाट डू यू मीन बाय बायोटेक्नोलॉजी। फिर हमने देखा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, व्हाट डू यू मीन बाय जीन ट्रांसफर, व्हाट डू यू मीन बाय जीन क्लोनिंग, एंड लास्टली वी एक्सप्लोर समथिंग अबाउट वेरी फ्यू। हमने देखा अबाउट द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एंड आने वाले सेशंस में हम बात करेंगे अबाउट द स्टिकी एंड्स, कोहेसिव एंड्स क्या होते हैं, एंड मेनी मोर। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।